मल्टी सॉकेट में 3 पिन का होल्डर कनेक्ट करके मोटरसाइकिल की बेकार बैटरी का सही प्रयोग। आप लोगों ने देखा होगा, मैकेनिक लोग मोटरसाइकिल की बैटरी को निकाल कर फेंक देते हैं या स्क्रैप में बेच देते हैं। मेरे इस नवीनतम प्रोजेक्ट के सहारे बेकार की बैटरियों को सही प्रयोग करने का नया तरीका बताया गया है। बेकार की बैटरी में इतना पावर होता है कि एक छोटे से सर्किट को लगाकर आप अपने घरों में 18 वाट से लेकर 20, 25, 30 वाट तक की एलईडी को करीब 3 घंटे जला सकते हो। इस 18 वाट की एलईडी के सर्किट को लगाकर हम अपने घरों में 3-4 घंटे की पर्याप्त रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। एलईडी बल्ब को जलाने के लिए एक पावर एसएमपीएस सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है, जो एसी पल्सेज को बूस्ट के रूप में आउटपुट प्रदान करती है। बैटरी से प्राप्त डीसी सप्लाई को एक एसएम ट्रांसफार्मर के द्वारा एक शॉर्ट सर्किट ऑसिलेशन लगाकर मॉस्फेट के जरिए स्विचिंग पावर में कन्वर्ट कर दी जाती है। इस प्रोजेक्ट में एक ब्लैंक स्टेबलाइजर बॉक्स का प्रयोग किया गया है, जो बेकार में पड़े स्टेबलाइजर से मिल जाता है। बैटरी का मेन पर्पज डीसी करंट को रिड्यूस करना होता है। डीसी 12 वोल्ट के करंट को एक ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के जरिए कलेक्टर से गुजार कर स्विचिंग मोड स्विच को दिया जाता है, जो मॉस्फेट गेट के द्वारा ऑक्सीलेशन को ड्राइव के सहारे आउटपुट गेट को खोला जाता है। संपूर्ण सर्किट में एसएम ट्रांसफार्मर मॉस्फेट रेजिस्टेंस स्विचिंग आईसी का प्रयोग किया गया है। प्रोजेक्ट के निर्माता गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर पुरई।